नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग चारों ही पेपर में से क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स इन एन इकोसिस्टम एंड ऑल्सो आउटलाइन द थ्रेट्स कॉजिंग देयर डिप्लीशन। एक परितंत्र में आर्द्र भूमियों के कार्यों की चर्चा कीजिए तथा उनके ह्रास का कारण बनने वाले खतरों को भी रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्या समझेंगे, वो हम समझेंगे कि आखिर वेटलैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम उसके फंक्शंस को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको जो है कौन कौन कारणों से जो है यहाँ पर खतरा जो है बना हुआ है वेटलैंड्स को। तो वेटलैंड्स जो है वो ऐसा एरिया होता है जहां पर की जो है बहुत ही ज्यादा जो है नमी होती है, जो भी आर्द्र भूमि होती है, जो भी दलदली भूमि होती है, ठीक है, दलदली भूमि होती है, मार्शी लैंड होता है, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। तो ये ऐसा एरिया होता है जहां पर की जो है जलीय और स्थलीय जैव विविधता का जो है मिलन होता है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम उन दोनों का ही मिलन होता है, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत में जो है 4.6% जो इंडिया का लैंड है उसको जो है आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड के तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है हर जगह हमें जो है वेटलैंड पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में भी जो है वेटलैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोल्ड एंड ड्राई रीजन, ठीक है, भारत का जो कोल्ड जो जो शीत रीजन है, जो ड्राई रीजन है, वहां पर भी वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। अगर हम मिडिल इंडिया की बात करें तो जहां पे जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, मानसून रीजन होता है, वहां पर भी वेटलैंड्स पाए जाते हैं। और अगर हम साउथ में जाएं, इंडिया के साउथ में जाए, तो जहां पे बहुत सारे जो है नमी वाले क्षेत्र हैं, जहां पे कि बहुत सारे जो नदियां जो है वहां मुहाना बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं, वहां पर भी जो है वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में हर जगह जो है वेटलैंड्स को जो है यहां पे आइडेंटिफाई किया गया है। और रामसर साइट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में कितनी फॉरेस्ट, कितनी साइट्स हैं, अब टोटल जो है 47 साइट्स इंडिया में है रामसर साइट्स, जिसमें कि वो तमिलनाडु में भी है, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी उसमें है। तो हम देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो है वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये ऐसा रीजन होता है कि यहाँ पे कि साल भर या फिर कुछ समय तक जो है वहां पे नमी या फिर दलदली दलदली जैसी कंडीशन जो है वो बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो ऐसी ऐसे रीजन होते हैं जहां पे कि स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जो है ये रीजन जो है पानी में जो है संलग्न रहता है, पानी में डूबा रहता है। और ऐसा एरिया है जो कि मरी, जहां पे कि जो जलमग्न एरिया ऐसा है जहां पर कि जो उसकी डेप्थ जो है वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। यही अगर हम रामसर कन्वेंशन जो था उसके हिसाब से अगर हम वेटलैंड्स की डेफिनेशन को देखें तो उसने बोला है कि ऐसा कोई भी एरिया जो कि साल भर में 8 महीने जो है वहां पे पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है, उसको जो है उसके साथ साथ जो है अगर वहां पे 200 बर्ड स्पीशीज हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम रामसर साइट या फिर उसको हम वेटलैंड्स कहेंगे। ठीक है, रामसर साइट नहीं, उसको हम वेटलैंड्स की तरह कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 8 महीने तक अगर पानी भरा हुआ है या और 200 बर्ड्स वहां पर आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स हो या फिर रेसिडेंट्स बर्ड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वेटलैंड्स की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे जलीय जैव विविधता और स्थलीय जैव विविधता दोनों का मिलन हो रहा है, तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे दोनों की ही स्पीशीज पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत प्रकार के जो है यहाँ पर एनिमल्स, बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, प्लांट्स बहुत तरीके के पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे जो है पारिस्थितिकी रूप से जो है उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो है इकोलॉजिकली प्रोडक्टिव जोन है हमारे पृथ्वी में। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आते हैं मैनग्रोव्स है, मार्शेस है, मतलब कि दलदल है, नदियां हैं, झील है, डेल्टास है, फ्लड प्लेन्स है, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां, पॉन्ड्स जो छोटे तालाब होते हैं, अगर ये भी जो है 8 महीने तक जो है जलमग्न रहते हैं तो हम उसे जो है वेटलैंड के रूप में जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर इसके फंक्शंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है।
तो सबसे पहले है हैबिटेट, मतलब कि प्राकृतिक वास। ठीक है, यहाँ पर का जो वाटर होता है वो बहुत ही शैलो होता है, बहुत ही उथला होता है, और यहाँ पे जो है हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन लेवल जो है यहाँ की जो पूरा पानी होता है, यहाँ की जो भूमि होती है उसमें बहुत हाई होता है, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत तरह के जो है पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, जिसके कारण से माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, रेप्टाइल्स हैं, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, स्तनधारी, ये सब बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो स्पीशी का, बहुत सारे जो जानवरों का, जीव जंतुओं का जो घर माना जाता है इसको, वेटलैंड्स को। ठीक है, इसी और इसको जो है यहाँ पर हम कहते हैं बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। ठीक है, बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फूड वेब का जो है निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है फूड वेब क्या होता है, बहुत सारे जब जो फूड चेन्स होती हैं उसको मिलाकर हम लोग उसको जब मिलाते हैं तो उससे जो है फूड वेब बनता है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पीशीज जो है यहाँ पे मौजूद होती हैं, जिससे के कारण यहाँ पे जो है फूड वेब का भी निर्माण होता है। बहुत सारी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी है जो वहाँ पर रहती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वहाँ पे जो है ब्रीड भी करती हैं। ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड है बर्ड्स का, माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो स्पीशीज होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उनके जो है ये जो उसकी साइट की तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंट फ्लड्स। ठीक है, बाढ़ को रोकता है। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए ये एक नेचुरल बैरियर के रूप में माना जाता है। ठीक है, एक प्राकृतिक बैरियर इसको माना जाता है। ये क्या करता है, जितना भी सरफेस वाटर होता है, रेन वाटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं फ्लड्स का वाटर होता है, जो नदी में अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो उन सबको क्या करता है, उनको जो है ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद उनको जो है रिलीज जो है वो धीरे धीरे करता है, स्लोली रिलीज करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रेन होती है, अगर पानी अगर जो है बारिश बहुत ज्यादा हुई तो उसका पानी कहाँ भर जाएगा, उसका पानी जो है वहां के लेक्स में भर जाएगा या फिर पॉन्ड्स में भर जाता है। लेक्स और पॉन्ड्स में भर जाने के कारण क्या होता है कि जो प्लेन एरिया होता है वहां पर जो है फ्लड्स नहीं आती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेटलैंड जो होता है वो फ्लड्स को रोकने का भी काम करता है, एक नेचुरल बैरियर, एक प्राकृतिक बैरियर के रूप में भी इसे आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल वाटर फिल्टर, प्राकृतिक पानी फिल्टर है। ठीक है, पानी को फिल्टर करता है ये जो है, जैसे कि हमने बात की, ये जितना भी वाटर होता है उसको ट्रैप करता है। जब वाटर को ट्रैप करता है तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, जितने भी सॉइल में जो अवेलेबल होते हैं, या मरकरी वगैरह, तो उन सबको ट्रैप करता है, उन सबको ट्रैप करता है, और फिर उसके बाद जो है उस पानी को क्या करता है, उस पानी को वो क्लीन करता है। तो जो वाटर साइकिल होती है, जैसा कि हम जानते हैं, कंटिन्यूस होती है, और यहाँ पे जो है जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उसको फिल्टर का काम करने के उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, वो वेटलैंड्स करता है। इसीलिए जो है जो जो वेटलैंड्स है उसको किडनीज भी बोला गया है। ठीक है, उसको किडनीज एक्सक्यूज मी उसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी बोला गया है। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक फंक्शंस। ठीक है, इसके इकोनॉमिक फंक्शंस, आर्थिक कार्य भी बहुत है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है फिशेस की स्पीशी बहुत पाई जाती है, तो यहाँ पे फिश रियरिंग प्रैक्टिसेस बहुत होती है, यहाँ पे जो है अनाज को उगाया जाता है, स्पेशली जो है राइस, राइस जो है वहाँ पे राइस के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, राइस है, जूट है, तो इन सबको वहाँ पर उगाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां के लिए जो है रॉ मटेरियल का भी यहाँ पे जो है काम किया जाता है, और यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी जो है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है साल भर कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे साल भर पानी जल भराव रहता है, जिसके कारण कि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे रेगुलेट्स स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, धारा प्रवाह को विनियमित करता है। जैसे कि हमने देखा कि जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इस कारण से इसकी जो तुलना होती है वो एक स्पॉन्ज की तरह होती है। स्पॉन्ज क्या करता है, वो पानी को सारा का सारा सोख लेता है। तो अगर जब बहुत ज्यादा जब वेट पीरियड होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं, तो ये सारा का सारा पानी को जो है सोख लेता है, और जब वहां पे ड्राई पीरियड होता है तो वो जो है यहाँ पे जो सूखा हुआ पानी होता है उसको धीरे 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 रिलीज करता है। तो इस तरीके से जो वहां का स्ट्रीम फ्लो है उसको भी जो है ये रेगुलेट करने का काम करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ठीक है, मिट्टी के कटाव सॉरी ये जो मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है,
सॉइल इरोजन है उसमें जो है उसको प्रिवेंट करता है, स्ट्रीम फ्लो को रिड्यूस करता है, और वहाँ पे वेजिटेशन इतनी ज़्यादा होती है, प्लांट्स एंड ट्रीज इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे जो सॉइल इरोजन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा कम करता है। कार्बन सिंक है, ठीक है, कार्बन सिंक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी मार्शेज होते हैं, मार्श लैंड होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, वहाँ पे एक तो जो है मिथेन मिथेन बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें एब्जॉर्ब होता है। और अगर हम देखें कार्बन के नज़रिए से, तो 30% जो है लैंड बेस्ड कार्बन जो है वो पीट लैंड्स में, ठीक है, पीट लैंड्स में जो है एब्सॉर्ब है। पीट लैंड्स भी एक तरीके का जो है मार्श वेट लैंड होता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन को जिसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन सिंक के लिए भी जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों को जो है लाइवलीहुड भी जो है प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, पहले के टाइम में जितनी भी सिविलाइजेशंस होती थी वो कहाँ पे होती थी, वो कहाँ पे डेवलप होती थी, जहाँ पर कि वाटर अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर अवेलेबल होने के कारण यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आके रहते हैं इसके आसपास, जहाँ पर कि वो फार्मिंग करते हैं, फिश शेयरिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो लोगों को एक लाइवलीहुड, ठीक है, लोगों को एक जीवन यापन करने का एक जो जरिया होता है वो भी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि आखिर कौन कौन सी चीजों से इसको खतरा है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे वेटलैंड्स का ह्रास हो रहा है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्रदूषण। प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जो है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया से जितने भी पानी जो है जाके बहके जाता है वो सब कहाँ जाता है, वो सब वेटलैंड्स में जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वेस्ट जो होता है वो भी सब बहके जो है वेटलैंड्स में जाता है। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर जो होता है उसमें फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पर एल्गल ब्लूम होता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डिमांड, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वाटर की, वो कम हो जाती है। तो जिस कारण से जो है यहाँ पर उसका ह्रास होने लगता है। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल रन ऑफ की बात करें तो उससे क्या होता है, वहां पर जो है मरकरी है या फिर और बहुत सारे ऐसे जो है प्रदूषित पानी जो है वहां जाके मिलता है, जिसके कारण की जो पूरा वेटलैंड है वो प्रदूषित हो जाता है, जो कि वहां के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पे बुरा असर डालता है, जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है, वहां की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है उस पर बुरा असर डालता है। तो ये सभी जो है वो खतरे में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वेटलैंड्स है पॉल्यूशन की वजह से जो है इनका बहुत ही ज्यादा जो है ख्वास हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन है, आइस मेल्ट हो रही है, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। वाटर लेवल इंक्रीज होने के कारण वहाँ के जो पूरी जो वेटलैंड्स है वहाँ पर भी अगर वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हाई वाटर लेवल पर जो है वहाँ पर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इसकी वजह से। अर्बनाइजेशन है, ठीक है, अगर कोई भी अर्बन एरियाज के पास जितने भी वेटलैंड्स है उनका बहुत ही जल्दी जो है डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लेकर के आए जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहां पर उनका वेटलैंड्स जो है उनको जो है खत्म किया जा रहा है। वेटलैंड्स की जो भूमि है उस पर जो है रेजिडेंशियल एरिया बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है वेटलैंड्स को बहुत ज्यादा खतरा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक दोहन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज्यादा जो है वेटलैंड्स पे जो है कमर्शियल यूज के लिए इनको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वेटलैंड्स पे प्रेशर बहुत है। वहाँ के जो पेड़ है उनकी कटाई की जाती है, फिश शेयरिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी वेटलैंड्स जो है वो खतरे में आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां कुछ ऐसी हैं, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस भी ऐसे हैं जिसकी वजह से वेटलैंड्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो बहुत सारे जो है ऐसे एरियाज हैं, ऐसे वेटलैंड्स एरियाज हैं जहाँ जो वहाँ पे जो फर्टाइल एरियाज हैं उसको एग्रीकल्चर के लिए जो है यूज किया जा रहा है। फर्टाइल एरियाज होते हैं, वेटलैंड्स जो होते हैं वहाँ पे पानी हमेशा अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि जो इसको जो है एग्रीकल्चर एरियाज के लिए जो है कल्टिवेबल लैंड के तौर पर इसको यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल साइट्स वहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट्स बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण से जो है वेटलैंड
वेटलैंड्स जो है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे एलियन स्पीशीज। कई बार जो होती है विदेशी प्रजातियां या फिर एलियन स्पीशीज को वहां पर ले आया जाता है, जिसके कारण से जो है वहां का पूरा हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो है वाटर हियासिंथ है, ठीक है, वाटर हियासिंथ है, ये एक प्रकार के जो है वीड होती है, या फिर क्ले फिश है, ये क्या होता है, ये वहां के जो आसपास के वहां के जो पूरे इकोसिस्टम के जितने भी और जो स्पीशी होते हैं उनके साथ कंपीट करती हैं, जिसके कारण जो है वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वाटर हियासिंथ है एक तरह का वीड है, ये फैलता बहुत ज्यादा बहुत जल्दी है, जिसके कारण से जो है पानी के बहाव में जो है बाधा बनते हैं और जो है कुछ और उस इकोसिस्टम के जो है वेजिटेशन जो है वहां के उसके साथ कंपीट करते हैं, जिसके कारण जो है वहां का जो वेटलैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। टूरिज्म की वजह से, पर्यटन के कारण भी जो है यहाँ पे इसका लॉस हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है टूरिज्म। पर्यटन के कारण भी जो है वेटलैंड्स बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो है बहुत तरीके के होटल्स बनाए जा रहे हैं, वहां पे कैंपिंग साइट बनाई जा रही हैं, वहां पे जो है बोटिंग होती है, जो स्टीम बोट्स वगैरह यूज होती हैं, जिसके कारण जो है वहां का जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट होता है, वहां पे जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है वेटलैंड्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कई प्रकार के जो है डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जब किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो पूरा रिवर का जो फ्लो है कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब किया जाता है, जिसके कारण जो है वेटलैंड्स का जो है डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है, वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के लिए जो है आर्द्रभूमि जो है उसको जो है पुनर्वास के लिए जो है कौन कौन से जो है स्टेप्स लिए गए हैं। तो अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, कानूनी ढांचे की बात करें, तो कई सारे जो हैं ऐसे एक्ट्स लेकर के आए गए हैं जिसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं और उसमें जो है अल्टीमेटली जो है वेटलैंड्स को भी कंजर्व करने की बात करते हैं, जैसे कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। तो इनके जरिए जो है हम वहाँ के जो है पूरे बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ की जो स्पीशी डाइवर्सिटी है उसको जो है कहीं ना कहीं कंजर्व करने की बात करते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली जो है हम लोग जो है वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, इसको जो है कब लेकर के आया गया था, इसको जो है 1986 में लेकर के आया गया था, और इसके अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है यहाँ पे 8 गोल्स जो है रखे गए थे। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1986 में लेकर के आया गया था और इसमें 115 वेटलैंड्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया था। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई किया गया था और उसके जो है कंजर्वेशन की बात कही गई थी और वहां पे जितनी भी जो वेटलैंड्स है उसका वाइज यूज, इंटेलिजेंट यूज की बात की गई थी कि उसको जो है और अच्छे तरीके से और इंटेलिजेंटली हम लोग वहां के यूज करेंगे, हम लोग उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और ताकि हम उसको कंजर्व करने में उसको मदद मिल सके वेटलैंड्स को। इसके बाद हम देखते हैं वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ठीक है, इसमें क्या किया था, इसमें जो है वेटलैंड कंजर्वेशन की ही बात की गई थी और यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया गया है और जो है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जितना भी जो डिसीजन लेना है इसके अंतर्गत वो तो लेगी कौन, वो तो स्टेट लेगा, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के द्वारा जो है लिए जाएंगे और उसकी निगरानी अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो वो कौन करेगा, वो करेगा नेशनल वेटलैंड कमेटी द्वारा जो है की जाएगी। तो यहां हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है वेटलैंड को कंजर्व करने की इसमें बात की गई थी, ठीक है। तो यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या देखेगी, वो यहां पे देखेगी कि वहां पे जो रीजनल जो लोकल नीड्स हैं, लोकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसको जो है वहां पर उसके जरिए काम किया जा सके और वो काम जो है ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसकी जो मॉनिटरिंग कौन करेगा, वो करेगा नेशनल वेटलैंड कमेटी। तो यहां पे जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी जो है हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ठीक है, तो ये क्या है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है ये एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है और ये जितने भी डिग्रेड हो रहे वेटलैंड्स हैं उनके संबंध में जो है ये पूरे इसके जितने भी डिग्रेड हो रहे वेटलैंड्स हैं उनके संबंध में जो है इंटरनेशनल लेवल पे उनको आइडेंटिफाई करके उनको कंजर्व करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जा रही है और
यहाँ पे बात की जा रही है कि वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स की, कि वेटलैंड्स जितने भी हैं उनको जो है बहुत ही जो है इंटेलिजेंटली यूज हम उसको करेंगे ताकि हम उसको डिग्रेड होने से बचा सकें। तो अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको हमें असिमिलेट, उनका जो है हमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको किस तरीके से कंजर्व करना है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो है हम जितने भी जो हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसको हम लोग कंजर्व कर सकें। इसके साथ साथ जो है कंस्ट्रक्शन जो अगर वहाँ पे कोई भी की जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली मैनर में करनी चाहिए, और तभी जो है हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकेंगे। जितने भी क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम लोग मिटिगेट कर सकेंगे, उस क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है जो जितना भी वेटलैंड का जो ह्रास हो रहा है उसको हम लोग कम करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम वेटलैंड्स की बात कर ही रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की वेटलैंड्स की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो जैसा कि हमने बात की कि तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम वेटलैंड्स का एक जो है बहुत ही ज्यादा ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कई पौधे पौधे अवेलेबल होते हैं, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे और बहुत सारे जो है जानवर जानवर जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैबिटेट है, यहाँ पे मेनली जो हैबिटेट की बात की जा रही है। ठीक है, हैबिटेट बहुत ही ज्यादा जो है वाइड स्पीशीज डाइवर्सिटी हम यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, कई तरीके के जो है सरीसृप है, पक्षी है, कीड़े हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, ये सब पाए जाते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो राज्य सरकार है, उसने क्या किया है कि अभी हाल ही में अगर हम देखें, ठीक है, तो हाल ही में जो है वेटलैंड्स के लिए कंजर्वेशन के लिए एक पॉलिसी लेके आई है, जिसमें कि राज्य सरकार ने उन्हें प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है वेटलैंड्स की। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वेटलैंड्स है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो कि रामसार साइट्स के रूप में भी जो है यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, रामसार साइट्स के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये 9 साइट्स ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसको कि जो कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंटरनेशनली रूप से जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले है सुर सरोवर, जिसको कि हम कीथम लेक भी कहते हैं। तो कीथम लेक या फिर हम सुर सरोवर लेक जो है ये एक मैन मेड लेक है। ठीक है, ये एक मानव जनित जो है लेक है, जिसको मानव जनित जो है झील है, जिसको कि क्रिएट किया गया था ताकि जो आगरा है वहां पे वाटर सप्लाई की जा सके। ठीक है, वाटर सप्लाई की जा सके, और अब ये जो है इसको एक वेटलैंड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो इको सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा जो है रिच है, बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आती है। यहाँ पे मोर देन 60 स्पीशीज ऑफ फिश जो है 60 स्पीशी ऑफ फिश जो है वो भी पाई जाती हैं। तो यहाँ के जो बायोडायवर्सिटी हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा वाइड है। इसके बाद हम देखते हैं अपर गंगा रिवर, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी। तो ये क्या है, ये जो है बुलंद शहर में है, ये साइट कहाँ पे है, बुलंद शहर में है, ब्रिज घाट से लेके नरोरा तक जो है ये फैली हुई है। और ये क्या है, ये एक गंगा के ऊपर जो है बहुत ही शैलो रिवर स्ट्रेच है। ठीक है, यहाँ का पानी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही शैलो रिवर स्ट्रेच है, लेकिन कहीं कहीं पर यहां पर जो है हम लोग डीप वाटर पूल्स भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि गंगा रिवर डॉल्फिन है, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, बहुत टाइप की फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, ये सब पाई जाती है। इसके साथ साथ जो अपर गंगा रिवर है ये जो है यहां पे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो जानी जाती है। ठीक है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जानी, बहुत सारे पिलग्रिम्स होते हैं, ठीक है, जो कि वहां पर गंगा में आते हैं, वहां पे डुबकी लगाते हैं, और उनकी इस कारण से जो है स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं सांडी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, सांडी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है, ये है हरदोई में। ठीक है, और ये एक फ्रेश वाटर, ठीक है, साफ पानी का जो है दलदली इलाका है। यहाँ पे बहुत तरह के एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, साथ साथ ये एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर जो है फार्मर्स जो है उन वो अपने लाइफ स्टॉक फॉर्डर के लिए जो है इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सरसई नावर झील, ठीक है, सरसई नावर झील ये कहां पर है, ये जो है ये इटावा में है, और ये हमेशा, ठीक है, परमानेंट मार्शलैंड है, परमानेंटली ही एक दलदली इलाका है, साल भर जो है ये एक दलदली इलाका रहता है। और यहां पर जो है यहां पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ ह्यूमन
प्लस वाइल्ड लाइफ दोनों का ही जो है हैबिटेट है, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बहुत तरह की वाटर बर्ड्स पाई जाती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके हैबिटेट भी यहाँ पर हैं। ये भी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है इसका भी, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है हर जय महादेव टेम्पल, जिसकी वजह से जो है पूरा साइट जो है उसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे समाजपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। समाजपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है, ये है रायबरेली में, ये है रायबरेली में है। और ये जो है पेरेनियल लोलैंड मार्श है, ठीक है, पेरेनियल लोलैंड मार्श है। ये भी एक दलदली इलाका है और यहाँ पर जो है रेसिडेंट बर्ड्स भी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, और यहाँ पे 46 टाइप्स की फ्रेश वाटर फिश भी जो है वो भी पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सामन बर्ड सेंचुरी, ठीक है, सामन बर्ड्स पक्षी अभ्यारण्य, या ये कहाँ पे, ये है मैनपुरी में। और यहाँ पर जो है यहाँ पे एक जो सीजनल गोखुर लेक है, लेक की वजह से जो है इसको जो है वेटलैंड के रूप में जो है घोषित किया गया है। यहाँ बहुत प्रकार के वाटर बर्ड्स होती हैं, जैसे कि सारस हो गई, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल हो गई, यहाँ पे जो है ग्रेटर ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जो है वहाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये है ये है गोंडा में, ठीक है। और ये सरयू नदी जो है, सरयू नदी द्वारा बनाए कर दो गोखुर झील पर जो है स्थित है। यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती हैं, वल्चर्स पाए जाते हैं, कई जैसे वल्चर्स का जो कंजर्वेशन हो रहा है, वल्चर्स जो है जो प्रजाति है विलुप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वल्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि बहुत प्रकार की, जैसे कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, ये सब जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो है वहां पर है इस लेक के किनारे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये जो साइट है ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है उन्नाव में, और ये एक शैलो मार्श लैंड है। मानसून में जो है यहाँ पे जो मानसून के साथ साथ जो है यहाँ पे शारदा कैनाल से भी जो है वाटर आता है, ठीक है, शारदा कैनाल से भी वाटर आता है। और इसमें भी जो है यहाँ पे टूरिज्म के क्षेत्र से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गोल्डन जैकाल है, जंगली बिल्ली है, ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में जो है एक नई जो है उत्तर प्रदेश में एक वेटलैंड जो है घोषित किया गया है, हैदरपुर भूमि, ठीक है, ये 47th रामसार साइट है इंडिया की, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9th साइट है। ये कहाँ पे है, ये मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पे है, गंगा और सलोनी रिवर के बीच में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये जो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका पार्ट है, और ये एक मैन मेड लेक है, ठीक है, ये भी एक मैन मेड लेक है। और यहाँ पे एग्जॉटिक बर्ड्स जो है यहाँ पर हर साल आती हैं, और एग्जॉटिक बर्ड्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पर आती हैं, जो हिल्स ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया के हिल्स को क्रॉस करके, ठीक है। और ये जो पूरी साइट है इसको नमामि गंगे के अंडर भी जो है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर भी जो है आइडेंटिफाई किया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे कि हमने बात की कि जो है यहाँ पे प्रमुख आर्द्र भूमियों को पर्यटन, शैक्षिक, मनोरंजन और जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में जो है बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के कंजर्वेशन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार है बहुत तरह के जो है डेवलपमेंट प्लान्स लेकर के आ रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, रोड्स को सड़क बनाई जा रही है, ताकि जो इन जितने भी वेटलैंड साइट्स हैं इन पर जो है पहुंच जो है आसान बनाई जा सके। वहां पे बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी, होटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को लेकर के आया जा रहा है, बोटिंग है, वाटर स्पोर्ट है, इन सभी को लेकर के आया जा रहा है, ताकि जो है इन वेटलैंड्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जा सके। और जितना भी ये जो पूरा जो प्रदेश राज्य की जो पूरी जो नीति है, इसके जो फंडिंग है वो सेंट्रल और जो है स्टेट दोनों ही द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल फंडिंग इसमें 40% की होगी, सॉरी 60% की होगी, और स्टेट फंडिंग जो है वो 40% की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रमुख आर्द्र भूमि को पर्यटन, शैक्षिक और मनोरंजन और जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है आउटलाइन द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन द इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट द लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका की रूपरेखा तैयार कीजिए, साथ ही पर्यावरण पर पशुधन की खेती के प्रभावों पर चर्चा करें, भारत में पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो
इंडिया की जो पूरी जीडीपी है, ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है उसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर की करीब 4% की हिस्सेदारी है, और यही अगर हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के जीडीपी की बात करें तो उसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो है हिस्सेदारी जो है करीब 25% की है। तो इंडिया के अगर हम पशुधन की बात करें तो भारत में दुनिया की जो है 56.7% भैंस, 12.5% मवेशी, 2.4% ऊंट और 3.1% मुर्गी पालन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 20th लाइफ स्टॉक सेंसस देखते हैं तो उसमें जो है पशुधन की संख्या, जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हमें मिली है, जिस जो कि बढ़ के जो है 4.6% की जो है वृद्धि हुई है 2012 में, जो है उसके पहले जो सेंसस हुआ था वो 2012 में हुआ था, तो उससे जो है 4.6% की जो है वृद्धि हुई है पशुपालन गणना में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर है इंडिया का, उसमें जो है जो इसमें हम जो देखते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर का, वो जो है 8.5% पर एनम रहा है 2014 से लेके 2019 तक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हर साल जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और इसका जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइफ स्टॉक का रोल क्या है, ठीक है, पशुपालन का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया है। यहाँ पे जो है 8.8% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से जुड़ी हुई है, और करीब रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 55% रूरल पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो लाइफ स्टॉक सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर में होता क्या है कि जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, वो सभी जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर के साथ जो है जुड़ सकते हैं। बहुत सारे जो लैंडलेस लेबर्स हैं, मार्जिनल लैंड लेबरर्स हैं, ठीक है, जो जो बहुत ही छोटे फार्मर्स हैं, जिन जिनके पास जो है जो जमीन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो अपना लेबर, ठीक है, अपना लेबर, अपने अपना जो उनका लेबर है वो भी लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो है, जब सीजन नहीं होता, एग्रीकल्चरल सीजन नहीं होता, तो वहाँ पर जो है वो अपना लेबर देते हैं और उनको लाइफ और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर पर डिपेंडेंट है। इसके बाद हम देखेंगे इनकम, ठीक है, इनकम की बात करें तो इसने बहुत सारे जो है लोगों को इनकम भी प्रोवाइड कराई है, बहुत सारे जो है जितने भी जो लैंडलेस लेबर्स हैं, मार्जिनल लेबर्स हैं, उनको जो है उनकी उनकी जो इनकम है उसको सप्लीमेंट करने का काम भी किया है, ठीक है, उनको सप्लीमेंट करने का काम किया है। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कि खेती तो करते हैं, साइड बाय साइड जो उनके लाइफ स्टॉक हैं जैसे कि भैंस हैं, गाय हैं, उनसे जो है मिल्क का भी ट्रेड करते हैं, जिससे कि उनकी साइड बाय साइड कुछ इनकम हो जाती है, सप्लीमेंट इनकम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 16% ऑफ द 16% जो है वो फार्म स्मॉल फार्म हाउस होल्ड की जो इनकम है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से ही आती है, और जो है रूरल सेक्टर, रूरल हाउसहोल्ड की बात करें तो वो जो है 14%, ठीक है, 14% जो है वहां पे छोटे खेतीहर परिवारों की आय जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से ही आती है। तो हम देखते हैं कि इनकम का भी बहुत बड़ा स्रोत है, गोट है, शीप है, तो इन सब के भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है इकोनॉमिक वैल्यू है। शीप के जो है जो वूल होता है वो निकाल के भी जो फार्मर्स होते हैं वो बेचकर जो है अपनी इनकम को सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो है जो हमारा जो जो भारत सरकार का जो गोल है कि जो फार्मर्स की आय को जो है दुगना करना है 2022 तक, ठीक है, तो उसमें भी जो है ये जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें जो सेवन सोर्सेज ऑफ इनकम जो पहचानी गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं, उसमें लाइफ स्टॉक भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो लोगों को इनकम प्रोवाइड कराने में उसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद हम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन जीडीपी देखते हैं, ठीक है, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हमने देखा था कि जो यहाँ पे करीब 34% जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है उसमें जो है इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की कि हर साल जो है यहाँ पर हमने देखा है कि हर साल जो है 2014-15 से लेके 2019-20 तक जो इसके एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है वो 8.15% की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन जीडीपी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और यही करें अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2021 की, तो इसने सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर ने जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 24.32 से बढ़कर जो है 28.63% हो गया है 2018-19 में, जो लास्ट आंकड़े जो हमारे पास अवेलेबल है,
ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में भी जो है जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद सोर्स ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट में का भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज है लाइफ स्टॉक सेक्टर, जैसे कि हम देखते हैं कि फ्यूल्स है, फर्टिलाइजर्स है, जो भी काउ डंग होते हैं तो उसको जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, काउ डंग है उसको फ्यूल के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, बफेलोज हैं जो भी जो बफेलोज हैं जितने भी जो कैटल्स होते हैं उनको जो है वहाँ पे खेत को जोतने के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है, का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जाता है, कार्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, या उनके जो डंग होते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है फ्यूल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, तो इनपुट का भी सोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनपुट का स्रोत है। इसके बाद हम फूड देखेंगे, ठीक है, फूड के लिए जैसे कि इनसे जो है हमें मिल्क, मीट, एग्स, फिश, ये सब जो है ये इनसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड हमारी जो प्रोटीन की नीड है उसको पूरा करने में भी जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसका बहुत ही बड़ी भूमिका है, ठीक है, तो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है न्यूट्रिशियस डाइट देने में भी लाइफ स्टॉक सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट निर्यात में भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, तो क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया से जो है लेदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट हो एक सॉरी एक्सपोर्ट होता है, तो लेदर इस एक्सपोर्ट होता है, वूल है, ठीक है, वूल है तो वूल का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, 41.5 मिलियन kg ऑफ वूल जो है वूल जो है वो डेवलप हुआ था 2017-18 में, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स है, हनी है, मीट है, प्रोसेस्ड मीट्स है, एग्स है, तो इन सभी का जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है उसका एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद हम देखेंगे सोशल सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी देने का काम करता है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी देता है कि उनकी जो है साइड बाय साइड कुछ तो इनकम हो ही जाएगी, तो उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने में भी बहुत बड़ा हाथ है। जेंडर इक्विटी, लिंग समानता, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हम लाइफ स्टॉक सेक्टर देखें तो मोस्टली क्या है ये वुमेन लेड है, वुमेन जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है, और अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, ठीक है, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो करीब 90% एम्प्लॉयमेंट जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में है वो वुमेन का ही है, ठीक है, और इसमें क्या है कि तीन चौथाई, ठीक है, तीन चौथाई जो लेबर डिमांड है, तीन चौथाई जो पूरे लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो लेबर डिमांड है वो कौन पूरा करता है, वो वुमेन ही पूरा करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो लिंग समानता की बात भी करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है यहाँ पे इसका पशुधन का जो है इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पे अगर हम कई बार देखें तो पशुधन का जो है इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो लाइफ स्टॉक होते हैं वो किसी अगर लैंड पे बहुत ज्यादा ओवर ग्रेज कर जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जहाँ पे उनको चराने लेके जाया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस लैंड पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा जो मवेशी होते हैं अगर वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन देखा गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है लाइफ स्टॉक सेक्टर से, ठीक है, अगर हम देखें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो 14.5% जितने भी मानव जनित या फिर जो मतलब कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उससे अगर हम हट के बात करें तो करीब 14.5% की हिस्सेदारी वो किसकी है, वो लाइफ स्टॉक सेक्टर की है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो है 44%, ठीक है, उसमें भी 44% जो है वो मीथेन जो है वो उत्सर्जित हो रहा है, 29% जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित हो रहा है, और 27% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित हो रहा है, और ये सभी क्या है, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेज है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का जो है उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। इसके बाद हम पर्टिकुलरली मिथेन इमिशन की बात करेंगे, ठीक है, मिथेन उत्सर्जन की बात करेंगे, तो जितने भी ह्यूमिनेंट्स होते हैं जो कि मतलब कैटल्स हैं, शीप है, गोट है, बफेलो है, ठीक है, तो जब इनका डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है तो उससे जो है मिथेन बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है, ठीक है, और ये देखा गया है कि एनुअली, ठीक है, सालाना अगर हम बात करें तो करीब 86 मिलियन मेट्रिक टन जो है
है मिथेन जो है ये मवेशियों द्वारा जो है उत्सर्जित हो रही है मिथेन। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो जो जितनी भी एनिमल डंग होता है उससे जो है उनका जब एनेरोबिक डिकम्पोजिशन होता है उससे जो है मिथेन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। और यहीं अगर हम एनिमल डंग है, यूरिन है, तो उससे क्या होता है, उससे नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है, जब जो ड्यू टू नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के कारण जो है यहाँ पे जो है नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, 92% जितना भी फ्रेश वाटर है उस वो जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें भी जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में यूज़ किया जाता है, और उसमें भी 1.3 जो है एक तिहाई हिस्सेदारी, जो एक तिहाई जो है 92% का भी जो 1/3 हिस्सा है वो किस लिए यूज होता है, वो होता है लाइफ स्टॉक को रेस करने में, लाइफ स्टॉक रियरिंग में। ठीक है, लाइफ स्टॉक रियरिंग में या फिर जो भी हम लाइफ स्टॉक वो जितने भी हम एनिमल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको बनाने में जो है काफी सारा जो है हमारा फ्रेश वाटर जो है वो यूज हो जाता है, तो हमारे वाटर रिसोर्सेज भी जो है बहुत ज्यादा डिप्लीट होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑन फार्म यूज ऑफ ऑयल फ्यूल। ठीक है, कई फार्म लैंड्स में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है फॉसिल फ्यूल का जो है उपयोग किया जाता है, जैसे कि मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, हीटिंग के लिए, तो इन सभी पे जो है जो जितना भी फॉसिल फ्यूल यूज होता है तो वो जो है वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से मेजर्स हैं जिसको कि हम लेके अपने लाइफ स्टॉक सेक्टर को जो है प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रमोटिंग इंडिजिनस ब्रीड्स, देशी नस्लों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देशी नस्लों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो है हम लोग जो जो उनकी जो जो उनकी जो ब्रीडिंग पे है वो हम काम कर सकते हैं, और जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिजिनस ब्रीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव होती हैं, तो इंडिजिनस ब्रीड्स जो है और यहाँ के इन्वायरमेंट में भी के लिए भी जो है इंडिजिनस ब्रीड, यहाँ की जो देसी नस्लें हैं वो ज़्यादा बेहतर जो है प्रोडक्टिव होती हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडिजिनस ब्रीड्स को प्रमोट करें। इसके बाद है बेटर फीड क्वालिटी। ठीक है, फीड जो जितना भी उनको खाना दिया जाता है उसकी जो है फीड उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ग्रासलैंड मैनेजमेंट, जो घास का मैदान है उसको अच्छी तरीके से जो है मैनेज करना चाहिए, फीड सप्लीमेंट्स जो है वो अच्छे होने चाहिए ताकि जितने भी जो जानवरों को जो भी खाना मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड मिले। इसी तरह जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने एक बनाया है फीड जो है वो है उसका नाम है हरित धारा। ठीक है, हरित धारा फीड बनाया गया है जो कि एंटी मिथेनोजेनिक माना जाता है। ठीक है, एंटी मिथेनोजेनिक। ठीक है, इसमें जो है मिथेन की जो है मात्रा जो है बहुत कम होती है इस फीड सप्लीमेंट में, जिससे कि जो भी जितने भी मवेशी जो होते हैं उनके द्वारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो मिथेन उत्सर्जन होता है उसको करीब जो है 17-20% तक जो है वो कम करता है, और साथ ही साथ जो है इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है इससे बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के हमें फीड सप्लीमेंट लेकर के आने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहे और साथ साथ जो है ये जो कैटल्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एनिमल हेल्थ, पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एनिमल हेल्थ को प्रमोट करना ज़रूरी है जितने भी जो है ताकि जो है उनकी प्रोडक्टिव लाइफ को, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है उसको हम इंक्रीज कर सकें, उनके जो रिप्रोडक्शन रेट है उसको हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अनुसंधान और विकास पर देना बहुत ही जरूरी है ताकि जितने भी हम लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर बना सकें, जिससे कि जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग उनके इनकम को सप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद कर सके। इसके बाद है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की आपूर्ति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि उनको फूड जो है उनको कंटिन्यू सप्लाई होनी चाहिए, उनको फूड की, उनकी वाटर की नीड की उनकी जो है कंटिन्यू सप्लाई होनी चाहिए।
इसके बाद हम देखते हैं मार्केटिंग एंड ट्रेडमार्क, ठीक है, मार्केटिंग एंड ट्रेडमार्क जो है ताकि जो है हम लोग जो है लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, घी है, मीट है, एग है, फिश है, जितने भी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट हैं हम उसको और ज़्यादा प्रमोट कर सके, ठीक है, तभी जो है जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको जो है उसका प्राइस जो है वो अच्छा मिलेगा और साथ साथ उनको इनकम सप्लीमेंट में जो है उनके मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग एंड सब्सिडीज, प्रशिक्षण और सब्सिडीज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर्स को, ताकि वो जो है एडॉप्ट करें कि किस तरीके से लाइव स्टॉक को हमें पालना है, लाइव स्टॉक रियरिंग में उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो है उनका हम लोग एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बना सकें, क्योंकि जो है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग जितने भी फार्मर्स हैं उनके आय को दुगना कर सकें 2022 तक, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स निकाले हैं, सरकार ने की बहुत सारी पहल है, जैसे कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ठीक है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है ये जो है 2014-15 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है यहाँ पे जो है जितने भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जितने भी इम्प्रूवमेंट है लाइफ स्टॉक सेक्टर में उसको उस पर ध्यान दिया गया है, उसको सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ोतरी देने की बात की गई है, और इसमें जो है इसका एम क्या है कि जितना भी जो जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी लाइफ स्टॉक कीपर्स हैं, जो लोग भी जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी जो है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर के आया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है यहाँ पर क्या है इंडिजिनस ब्रीड्स जो है जो कि इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो कि देशी नस्ल हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये लेकर के आया गया था, ताकि जो है मिल्क प्रोडक्शन को जो है हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि जो है फार्मर्स की इनकम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें क्या है, इसमें जितने भी फार्मर्स हैं या फिर जितने भी लोग जो है पशुपालन करते हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है, वित्तीय सहायता देने की बात की गई है, ताकि जितने भी एनिमल डिसीज है उसको रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, ठीक है, तो इसको जो है जून 2020 में बनाया गया था, और ये 15,000 करोड़ का एक कॉर्पस है जो कि जितने भी लाइफ स्टॉक सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। इसमें लोन दिया जाएगा लोगों को ताकि जितने भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके, ठीक है, मॉडर्नाइज करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए जो है लोन दिया जाता है, और साथ साथ अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो उसके लिए भी जो है लोन दिया जाता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, तो लोन असिस्टेंस यहां पे दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहां पे लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जीडीपी में, तो जरूरी है कि हम इसको प्रमोट करें, तभी जो है हम फार्मर्स की आय को जो है एक नया स्रोत बना सकते हैं और फार्मर्स की आय को दुगना कर सकते हैं वर्ष 2022 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्कस द एथिकल इश्यूज विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो निगमित शासन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें, भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के उपाय सुझाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो निगमित शासन जो है वो होता क्या है। तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कोई कुछ बहुत सारे जो है सिस्टम्स होते हैं, उनकी प्रणाली होती है, सिद्धांत होते हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं, और उन सभी को मिले जुले रूप से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम OECD की डेफिनेशन की बात करें, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके अनुसार, ठीक है, जिनके अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको निर्देशित किया जाता है और नियंत्रित किया जा सकता किया जाता है। तो इसलिए हम इसको एक गाइडलाइंस के रूप में भी जो है समझ सकते हैं, ठीक है। इसी गाइडलाइन को अपनाते हुए कोई भी कंपनी जो है उसको चलाई जाती है, उसको रेगुलेट किया जाता है, और जो है ताकि जो है जितने जो भी कंपनी के जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके, और साथ साथ जो है कंपनी की गुणवत्ता
को बढ़ाया जा सके। तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देने के लिए, ठीक है, उनके लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देने के लिए जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो है एक बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, वहाँ के गवर्नमेंट है, कंपनी है, ठीक है, तो उसमें जो है एक बैलेंस बनाने का जो है काम ये पूरा करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंपनी होती है यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो बना के चलती है, ठीक है। तो ताकि जो है अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में और जो उसके गोल्स हैं, अपना जो प्रॉफिट है उसके बीच में जो है एक बैलेंस बना के चले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। तो ये एक मेथोडोलॉजी होती है, ये मेथड्स होते हैं, ये प्रक्रियाएँ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, जिससे कि जो है किसी भी कॉरपोरेट को पूरा गवर्न किया जाता है ताकि उसके जो है गोल्स को अचीव किया जा सके और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो एथिकल इश्यूज हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका। तो यहाँ पर कई बार देखा गया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में, उनके जो पूरी भूमिका है उस पर कई बार जो है सवाल उठाए जाते हैं। पहले तो कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है पार्शियल होते हैं। पार्शियल किसके तरफ होते हैं, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है उसके तरफ ये बहुत ज़्यादा जो है पार्शियल होते हैं। जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसी में ये अपनी हामी भर देते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ये वहाँ पे एक पैसिव रोल जो है वो प्ले करते हैं, उनका कोई भी एक्टिव रोल बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। वो हमेशा जो है मैनेजमेंट के डिसीजन के साथ ही जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर कोई जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कभी मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाता भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कभी मैनेजमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट जाता भी है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी जो पूरी भूमिका है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस पे, उसकी ऑटोनॉमी पे जो है बहुत ज़्यादा जो है खतरा होता है, क्योंकि वो जो है हमेशा जो है अक्सर जो है देखा गया है कि जो मैनेजमेंट के ही जो डिसीजन के साथ जो है वो कंप्लाई करता है। इसके बाद हम देखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे जो मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं या फिर जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उनके पास बहुत सारी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है किसी कंपनी का, उसका एक्सेस होता है और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके वो लोग जो है अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो आम छोटे शेयर होल्डर्स जो है, जो और स्टेक होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके हित पर जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, उनके इंटरेस्ट के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों की एकाग्र, ठीक है। तो ऐसा कई बार देखा गया, जो भी कॉर्पोरेशन होता है, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो किसके हाथ में होती है, वो किसी फैमिली के पास होती है या फिर कुछ जो खास शेयर होल्डर होते हैं केवल उन्हीं के पास जो है सारी के सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है और उन्हीं से जो है उन्हीं के जो मत से जो है पूरा डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो भी छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके एडवांटेज और उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो बहुत बार जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे फैमिली बिजनेस, ठीक है, फैमिली बिजनेस है इंडिया में मोस्टली जो है, जो इतने भी बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो किसी भी ना किसी फैमिली द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं, फैमिली रन बिजनेस होते हैं। और जैसे बहुत साल से जो है फैमिली रन बिजनेस है, तो अगर जैसे नई पीढ़ियाँ आ गई हैं तो उसके बाद देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखा गया है, ठीक है, पूरे मैनेजमेंट में जो है कई बार जो है कन्फ्लिक्ट देखा गया है, जिसका असर जो है नकारात्मक असर जो है यहाँ पे शेयर होल्डर्स पर ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साथ साथ जो फैमिली का जो फैमिली के जो फाइनेंसेस हैं और जो मैनेजमेंट के फाइनेंसेस हैं, कई बार जो है उनको डिस्टिंक्शन करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सेबी की जो है गाइडलाइंस आई थी उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल फाइनेंसेस हैं, इंडिविजुअल फाइनेंसेस और मैनेज
मैनेजमेंट के जो फाइनेंसेस हैं, मतलब कि कॉरपोरेट के जो किसी भी फर्म के जो फाइनेंसेस हैं, उसको अलग अलग करना है, ठीक है, उसकी अलग अलग बताना है कि उसकी जो है किसकी लिमिट कितनी है। तो लेकिन उसके बाद भी जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली का जो फाइनेंस होता है और मैनेजमेंट का जो फाइनेंस होता है उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि जो भी मैनेजमेंट होता है या फिर बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो कुछ ऐसे अपने कुछ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं, कुछ उनके जो रिलेशन में कोई और कंपनी है, किसी और की कंपनी है, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं, जैसे कि उनकी कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर दिया, उनको लोन दे दिया या फिर वहाँ से लोन ले लिया। तो ऐसे कई तरीके के जो है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भी देखे गए हैं। इसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी सवाल उठाया जाता है कि जो कई बार जो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेंबर्स होते हैं वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, इनएक्सपीरियंस होते हैं, या फिर क्या होता है कि उसमें क्या है कि जो भी उनके पास जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्स फील्ड से एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है उनका जो डिसीजन होता है वो किसी एक विशेष समूह के लिए जो है वहां पे इन्फ्लुएंस होता है, तो जिसकी वजह से जो अन्य जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो इसके साथ हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि बोर्ड की जवाबदेही तय करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड की जवाबदेही होनी चाहिए कंपनी की तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ, ठीक है, इन सब की तरफ जो है जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी जो है जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, पूरा जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है उसे वेबसाइट पर होना चाहिए, जितनी भी शेयर होल्डर्स तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है उनको पहुंचानी चाहिए। जितने भी फाइनेंशियल पोजिशन है, बैलेंस शीट है, वो सब कुछ जो है वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए, तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर धारक जो है उनके साथ जो है कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको बताना चाहिए कि अगर उनकी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी शिकायत है, या फिर अगर उन्हें कोई किसी से कांटेक्ट करना है तो वो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस के लिए जो है उन्हें किसे अप्रोच करना होगा, तो ये सब कार्य करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कंपनी ने किसको इनका कहाँ पर इन्वेस्ट किया, कंपनी ने किसको लोन दिया, ठीक है, ताकि जो है आगे चलकर कोई भी स्कैम जो है वो हमें ना देखने को मिले, जैसे कि सत्यम स्कैम है, हर्षद मेहता स्कैम है, तो ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है लोन दिया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये सारे जो है इन सब चीज़ का इंटरनल ऑडिट जो है होना चाहिए, ताकि जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद है डाइवर्स बोर्ड्स, ठीक है, विविध बोर्ड, बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग फील्ड से होना चाहिए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जो है विविध होना चाहिए, जैसे कि अलग अलग एथनीसिटी है, रिलीजन है, डाइवर्स एक्सपीरियंस है, अलग अलग फील्ड्स के जो है बोर्ड मेंबर्स को जो है अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो जो डिसीजन ले वो सोसाइटी को ध्यान में रख कर ले, वो किसी विशेष समूह को या विशेष व्यक्ति को देख कर जो है कोई भी डिसीजन ना ले। इसके बाद एक समिति का गठन किया गया था जिसका कि नाम था उदय कोटक पैनल, ठीक है, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी है, जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है तो उसमें कम से कम जो है छः डायरेक्टर होने चाहिए और उसमें से भी एक डायरेक्टर जो है वो महिला होनी चाहिए। अगर किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है तो उसके लिए एक डिटेल्ड पूरी जो है डिटेल्ड रीज़न देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों रिमूव किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनकी भूमिका को हम लोग और स्ट्रांग कर रहे हैं, उनके टेन्योर को हम लोग कहीं ना कहीं और स्ट्रांग कर रहे हैं, ताकि जो है वो जो भी शेयर होल्डर के हितों में जो है और अच्छे से डिसीजन लिया जा सके। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, डिस्क्लोजर में जब भी, जैसे कि हमने बात की फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में, इन्वेस्ट, ठीक है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट
कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स की पहुँच होनी चाहिए उन सभी डिस्क्लोजर पे, उन सभी इंफॉर्मेशन की, और साथ साथ जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन होती है कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, कहाँ पे हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद है एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी जो है 100 करोड़ से ज़्यादा अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसी को लोन दिया जा रहा है, या फिर जो है कई बार जो है एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, तो उसका जो है एक इंटरनल ऑडिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका कॉरपोरेट गवर्नेंस की अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर हम की टेक अवेज निकालें तो इसमें क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जितनी भी होल्डिंग्स हैं उनकी वैल्यू को जो है ज़्यादा इंक्रीज करना, अधिकतम लेवल तक जो है उसको इंक्रीज करना, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके जो है इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स का जो है ट्रस्ट उस कंपनी की तरफ बढ़ाना जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, और उनके और जो कंपनी का प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना। इसके बाद अगर हम इसको और ऑब्जेक्टिव समझें तो क्या है, कंपनी के कार्यों को जो है जितने भी कंपनी के कार्य होते हैं उसको अच्छे ढंग से करने के लिए, और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल को अट्रैक्ट करना, और ज्यादा जो है फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना भी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। तो अगर जितना ज्यादा जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है कॉर्पोरेट प्रशासन जो है उसका स्तर जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा जो शेयर धारक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका उतना ही जो है विश्वास जो है उस कंपनी की तरफ बढ़ेगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। इसी के साथ साथ अगर हम कहते हैं तो कंपनी एक्ट जो 2013 था, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 था, उसने क्या बोला है कि उसने बोला है कि जितने भी शेयर धारक हैं कंपनी के उनका जो है निर्णय लेने में जो है उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उनके सुरक्षा के जो है उपाय जो है उसको जो है अपनाना चाहिए, ताकि जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हम इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।